देखिए, प्रशासन ने एक तरफा आदेश जारी किया है, आपके पास वो चिट्ठी होगी 144 का, उसमें लिखा हुआ है कि एक तरफा आदेश पारित किया जा रहा है। बच्चे के साथ सुबह 7 बजे से आई हुई है, सरकार कोई सोल्यूशन दे, कोई फॉर्मूला दे, कोई रास्ता निकाले। नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। कालूरामा मर्डर केस में विभिन्न थाने की पुलिस जिले के अलग अलग इलाकों में छापेमारी करके संदिग्धों को उठा रही है। इसी क्रम में लवकुश शर्मा के भाई विपिन शर्मा, लवकुश का चाचा समेत 12 लोगों को हिरासत में लिए जाने की सूचना है। जानकारी के मुताबिक अलग अलग थाने में इनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि पुलिस अब तक कालू लामा हत्याकांड के नामजद अभियुक्त सोनू शर्मा व लवकुश शर्मा को नहीं ढूंढ पाई है। छापेमारी करके पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया है। बता दें कि गिरफ्तार राजू चोटी और बिट्टू खान से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन दोनों ने अभी तक पुलिस के समक्ष जुर्म स्वीकार नहीं किया है। अब देखने वाली बात यह होगी, क्या पुलिस नामजद अपराधी सोनू शर्मा और लौकू शर्मा को पकड़ पाती है या नहीं। इस केस के हर एक अपडेट के लिए जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। वहीं पुलिस ने मोराबादी के हर एक दुकान को बंद करने का आदेश दे दिया है। हम लोग 1200 परिवारों का भरण पोषण हम लोग अपने ही दुकान से करते हैं, प्रतिदिन 200-500 कमाते हैं, अगर कमाएंगे नहीं तो जहाँ कहाँ जाएंगे। जिसको लेकर सारे दुकानदार धरने पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि हम लोग सरकार से रोजगार नहीं मांग रहे हैं, हम लोग खुद अपना काम करके परिवारों का पेट भर रहे हैं, लेकिन सरकार हम लोगों के पेट में लात मार रही है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है धरने पर बैठे दुकानदारों का। यहाँ पे हम लोग दुकान उठाने का बात किया जा रहा है, इसलिए धरना पे बैठे हैं। बच्चे के साथ? बच्चे के साथ सुबह 7 बजे से आई हूँ। बच्चों को क्यों लाए? घर पे देखने वाला कोई नहीं है। हाँ। क्या हुआ, क्यों बंद करने बोला प्रशासन? जोर से बोलिए। कहाँ लोग जाएंगे यहाँ से, कमाने खाने आदमी हम लोग होते हैं, कहीं को रोजी रोटी है या ना, यही है कमाएंगे तो खाएंगे, कमाएंगे। देखिए, हम लोग का दुकान बंद करने का आदेश दिया गया है और उसको उठाने के लिए जबरन जो है वो पुलिस बल की तैनाती हो रही है, मजिस्ट्रेट लगाए जा रहे हैं और जबरन उसको हम लोग को उजाड़ने का साजिश रचा जा रहा है। इसी के खिलाफ हम लोग बैठे हुए हैं कि हम लोगों को जो है दुकान खोलने दिया जाए, कमाने खाने दिया जाए और उसके लिए हमको ना रोके। हम सरकार से रोजगार नहीं मांगते हैं, हम लोग 1200 परिवारों का भरण पोषण हम लोग अपने ही दुकान से करते हैं, प्रतिदिन 200-500 कमाते हैं, अगर कमाएंगे नहीं तो जहाँ कहाँ जाएंगे। आप लोग किसी से बात नहीं किए प्रशासन? देखिए, प्रशासन ने एक तरफा आदेश जारी किया, आपके पास वो चिट्ठी होगी 144 का, उसमें लिखा हुआ है कि एक तरफा आदेश पारित किया जा रहा है। तो सरकार हमसे अगर बातचीत करे, हम लोग तैयार हैं, सरकार कोई सोल्यूशन दे, कोई फार्मूला दे, कोई रास्ता निकाले, हम लोग हमेशा सरकार के साथ हैं और सरकार के साथ चलेंगे। हमको जो भी वो प्रस्ताव देते हैं हम लोग उस पर विचार करेंगे, हम लोग बीच का रास्ता निकालेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।